जय हिंद, नमस्कार मेरे सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बीएसएफ ट्रेडमैन पर है, और ध्यान रखना ये वीडियो बीएसएफ की जो ट्रेडमैन की भी एक वैकेंसी आ रखी है उस पर नहीं है, जो 1526 पोस्ट पर है। मैं आपको बीएसएफ ट्रेडमैन की एक नई वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। जो भी बच्चे 10th पास है और जिनकी एज 18 से 23, 18 से 26 और 18 से 28 कैटेगरी वाइज छूट के साथ एलिजिबल है, वो सब इसकी तैयारी कर सकते हैं भाई बीएसएफ ट्रेडमैन की। और ये कितने पदों पर आने वाली है वैकेंसी, मैं आपको बता दूं 2140 पदों पर आने वाली है। कौन कौन से ट्रेड में? कुक ट्रेड से आएगी, ड्राइवर से, पेंटर से, बड़े से, माली, नाई, धोबी, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से ये वैकेंसी आएगी, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। आपको नॉर्मली क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया कि 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। और परसेंटेज का यहाँ कोई मैटर नहीं है, भले यहाँ पे 40% है, 45 है, 50 है, परसेंटेज का ट्रेडमैन की किसी भी वैकेंसी में कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक आगे नोटिस दिखाता हूँ, ये नोटिस देखना, ये नोटिस है बीएसएफ की तरफ से, और इस जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ उसके ऊपर ये नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर द फिलिंग 2140 पोस्ट। यहाँ देखो 2140 वैकेंसी, 1723 वैकेंसी ये रहेगी मेल के लिए और 417 वैकेंसी रहेगी फीमेल के लिए। फॉलोइंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द पे ऑफ मैट्रिक्स लेवल 3, पे स्केल 21,700, यानी जो एसएससी जीडी का इनका पे रहता है सेम पे है, एंड अदर अलाउंस एज एडमिशेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी जो जो अदर अलाउंस मिलते हैं वो। इन टोटल पोस्ट ये देखिए 2140 पोस्ट। अब ये नोटिस कहां आया मैं आपको बता दूं, जो रोजगार वाला अखबार आता है ना उसमें ये नोटिस है, ठीक है, और उसके द्वारा ही इसकी जानकारी है। ऑनलाइन अगर आप देखना चाहते हो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, तो एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, वो नोट कर लीजिए आप, रोजगार वाला, ठीक है, लिख लेना रोजगार वाला, रोजगार वाला WALLAH, रोजगार वाला सर्च करोगे और बीएसएफ ट्रेडमैन 2100 या बीएसएफ ट्रेडमैन न्यू वैकेंसी अगर ऐसा सर्च करोगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके नोटिस कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे उसके ऊपर बात कर ले तो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी अभी शायद 1 वीक पहले जो रोजगार समाचार पत्र आता है कईयों ने वो कर रखा है ऑर्डर, परमानेंट जो आपको पोस्ट ऑर्डर होता है उस पे आते हैं ये, और रोजगार पत्रों में ही ये वैकेंसी आती है। ऑनलाइन अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में जानना तो मैंने आपको बता दिया, इस वेबसाइट पे आप जाके जान सकते हो। कब तक इसके आएंगे? अभी उस समय जब ये रोजगार पत्र में आएगा तब उस समय तक ये था कि मे भी अगले 30 दिनों में, यहां पर लिखा हुआ है अगले 30 दिनों में किसी भी दिन आपसे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप की डेट आ सकती है। इसीलिए आप इस वेबसाइट पे बने रहना, इसके ऊपर दिया हुआ रहेगा कि किस डेट को ये वैकेंसी आएगी, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम या ऑनलाइन माध्यम वो भी उसी समय डिसाइड होगा, क्योंकि इस नोटिस में और रोजगार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, सिर्फ इतना था कि अगले 30 दिन बाद में, यानी अगले 30 दिन के भीतर भीतर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये केवल रोजगार पत्र में लिखा हुआ था। और साथ उसके साथ में ये नोटिस है ये मैंने लिया है, नोटिस मैंने जहां से लिया वो वेबसाइट आपको बता दी भाई, तो आप इसके लिए तैयार रहना। बाकी जहां तक मुझे लगता है इस वैकेंसी के जो फॉर्म है 15 अगस्त के बाद में शुरू हो सकते हैं। एजुकेशन आपको मैं बता ही चुका हूं, 10th पास आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, एज 18 से 28 साल तक मौका मिलेगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं कई वैकेंसी वो इसमें अप्लाई जरूर कर दें, इसीलिए उस वेबसाइट पर आप बार बार विजिट करते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत।